जय श्री राम दोस्तों, आज 23 जुलाई मंगलवार के दिन आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉक में हार्दिक स्वागत है। और हमारी 4.5 किलोमीटर की जॉगिंग कंप्लीट हो गई है और जो बाकी एक्सरसाइज करेंगे आप हमारे साथ बने रहिए, है। मिलते हैं आपसे। देखिए ये अपने साथी हैं जो पार्क में रोजाना ही आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब इनसे मुलाकात होती है। आज गुलिया जी गुफ्तगू करते हुए सामने का व्यू देखिए, बहुत ही सुंदर व्यू, और जब साथी मिल जाते हैं तो फिर सोने पे सुहागा। आज लगभग सारे हैं, कभी कभार कोई एब्सेंट हो जाता है। और मित्रों ये देखियो, ये दूसरे वाले पार्क का व्यू है, आप हरियाली देखिए, और मैं पुनः उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आदमी घर पे आराम से रेस्ट फरमा रहे हैं वो अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे जितना टाइम लगे पार्क में ज़रूर आएँ। पार्क में आओगे तो आपकी सेहत बनी रहेगी और डॉक्टरों की लाइन से आप बचे रहोगे। जो भी मेरे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, वो पार्क में सुबह 1 घंटा 1 घंटा ज़रूर भ्रमण करें ताकि आप स्वस्थ रहें और अपने परिवार का और खुद का अच्छी तरह ख्याल रख सकें। ये मित्रों अभी लगभग 5:10 के आसपास का टाइम है और गुलिया जी अपने साथियों की सेवा में लगे हुए हैं। मोटू राम आज गायब हैं, आज क्या 3 दिन से गायब हैं, हमें कमी खलती है, वो पता नहीं महाराज कहाँ रहे हैं। और लास्ट में आएगा वो? हाँ, जब पी लेंगे तब दर्शन देंगे वो, तब हमें फील होता है, बस और कुछ नहीं होता हमारे साथ। थोड़ा वो रहता है कि यार टाइम पे आया तो सही रहता। ये मित्रों कार्डियो सेशन को आगे बढ़ाते हुए यह रस्सी कूद हमारी 300-300 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। 4.5 किलोमीटर की जॉगिंग के बाद पहला काम हमारा रस्सी कूदने का ही होता है, और जैसा कि आप जानते हो इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, लेग मजबूत होती हैं, काफ मजबूत होते हैं, आपके आर्म्स स्ट्रांग होती हैं, आपकी आंतरिक अंगों का व्यायाम होता है, पीठ और पेट दोनों का फैट कम होता है। और ये अकेली एक्सरसाइज ऐसी है कि आप कुछ ना करें, केवल इसी को करते रहें अपनी सुविधा अनुसार। पहले 50-50 के 3 सेट लें, फिर 100-100 के लें, तो आपका काम दौड़ने के बजाय या और दूसरी एक्सरसाइज करने के बजाय अच्छी तरीके से होगा। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों गुलिया जी रोज़ आपको सूर्य देवता के दर्शन कराते हैं, ये 5:15 के आसपास का समय है, ये चांद है, अभी परसों ही पूर्णिमा थी, धीरे धीरे घटने शुरू हो जाएंगे लेकिन अभी अपने पूरे आकार में दिखाई दे रहे हैं, तो हम चांद देवता को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। प्रिय मित्रों कार्डियो सेशन को आगे बढ़ाते हुए यह जंपिंग जैक्स जो हमारी 6 एक्सरसाइज होती हैं उनमें से पहली एक्सरसाइज, इससे आपका वजन भी कम होगा, पेट भी कम होगा और पूरे दिन स्फूर्ति महसूस करोगे। ये दूसरी एक्सरसाइज है हाई नीज, इसके भी 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेने हैं, इससे आपकी लेग्स मजबूत होंगी और जो लोअर पेट का फैट है वो कम होगा। ये तीसरी एक्सरसाइज है यह क्लैप अंडर लेग, इससे भी जो हमारा लोअर पेट है उसका फैट बड़ी तेज़ी से कम होता है, तो उसके भी 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेंगे। बहुत बढ़िया सर। और मित्रों ये 4.5 किलोमीटर जॉगिंग के बाद ये कार्डियो की पहली एक्सरसाइज, वैसे मैं रस्सी कूद चुका हूँ, आज सर ने रस्सी नहीं कूदी, अभी पैर में हड़का है, कुछ दिक्कत सी बता रहे हैं। और ये सर जो है 30-30 के 3 सेट लेंगे, ये दूसरी एक्सरसाइज है। और ये 30 एक्सरसाइज है। मित्रों पार्क में देखिए आजकल सदाबहार के जो फूल हैं आपको बहुत आयत में मिलेंगे, कई लोगों को मैंने देखा है सुबह सुबह फूल तोड़ने लग जाते हैं
और उनका कहना होता है कि वो ईश्वर के चरणों में इन्हें चढ़ाएंगे। देखिए ओशो ने कहा है कि फूल वहीं पर ईश्वर को प्रिय होता है जहाँ पर वो लगा हुआ है और जहाँ पर वो जीवित है। आप उसे तोड़ के मुर्दा बना देते हैं और मुर्दे को ईश्वर के चरणों में चढ़ा के आपको लगता है ईश्वर प्रसन्न होंगे? तो फूल जहाँ लगा हुआ है उसे वहीं रहने दें, वहीं ईश्वर को वो प्रिय है और ईश्वर के साथ साथ प्रकृति और हमें भी वहीं प्रिय है। तो फूलों केवल निहारें, फील करें, अच्छा महसूस करें, उनके साथ बैठ के उन्हें तोड़े ना। ये मित्रों कार्डियो सेशन हमारा समाप्त हो चुका है और ये अगला चरण है हमारा मसल ट्रेनिंग का, जिसमें हमारी चार महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती हैं और जिनमें से पहली है ये सपाटे। और देखिए कोई मुझसे पूछे कि चारों एक्सरसाइज में सबसे शानदार एक्सरसाइज कौन सी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि सपाटे से बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है। इससे आपकी आंतरिक शक्ति इतनी तेज़ी से विकसित होती है, आपका स्टेमिना इतना शानदार होता है कि किसी भी रोग से आप आसानी से लड़ सकते हैं, कोई रोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि शुरू में सपाटे आप नहीं लगा पाओगे ठीक ठाक, लेकिन जितने भी लगते हैं सपाटे आप अपने डेली वर्कआउट में अवश्य शामिल करें। बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है और सबसे बढ़िया ये भारतीय खोज है, विदेश से नहीं आई है ये डिप्स वगैरह जो हैं विदेश से आई हैं। सपाटे हमारे अपने हैं और इनका फ़ायदा इतना ज़बरदस्त होता है कि आपका हार्ट मजबूत होता है, फेफड़े का तो कहना ही क्या। बहुत बढ़िया सर। और ये मसल ट्रेनिंग की सेकंड एक्सरसाइज डिप्स, सर जो है 30-30 के 3 सेट लेंगे, बहुत अच्छे। प्रिय मित्रों मसल ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए यह है देसी दंड, यह भी हमारी भारतीय खोज है। इसमें चार आसनों का प्रयोग होता है, वज्रासन से शुरू करते हैं, चतुरंग दंडासन, भुजंगासन और पर्वतासन। क्योंकि चार आसनों का इसमें प्रयोग होता है इसलिए इसे फुल बॉडी वर्कआउट कहा जाता है। आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जितनी आपकी क्षमता है इसके 3 सेट अवश्य लें। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। स्क्वेट और सर जो हैं वही सेम रिपीट करेंगे एज यूजुअल, वही जो पहले बताया आपको 30-30 के 3 सेट लेंगे सर। ये भी जो है सेम रिपीट करनी है। पेट के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, आप भी अपने वर्कआउट में शामिल करें इसे। ये लास्ट 4th एक्सरसाइज, ये भी सेम रिपीट करने हैं। और मित्रों आज ये पार्क का सुबह का दृश्य देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और सामने योगा क्लास चल रही है, देखो एक। मित्रों यह है ओम का जाप, इसे तो आप अवश्य करें क्योंकि इसके लिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे प्राणायाम के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि प्राणायाम का ये नियम है कि खुले स्थान पे करो, जहाँ वृक्ष हो, घास हो, पानी हो, पक्षी हो, वहाँ इसका पूर्ण लाभ मिलता है। तो ध्यान बस यही रखना है, यदि वीपी लो है तो स्वर को तेज रखेंगे, वीपी हाई है तो स्वर को मंद रखेंगे। इससे आपका मन शांत रहेगा, क्रोध नहीं आएगा, प्रकृति से प्रेम करोगे, पूरे दिन स्फूर्ति से आपका दिन बीतेगा। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों ये है भ्रामरी, जैसा कि आप जानते हैं इसमें हमारे जो कर्ण हैं वो हम बंद कर लेते हैं, अपनी आँख भी बंद कर लेते हैं और एक उंगली धीरे से अपनी नासिका पे लगाते हैं, जिससे सीधा कंपन हमारी मस्तिष्क में जाता है, वहाँ हमारे न्यूरॉन सक्रिय होते हैं जिससे हमारी बुद्धि तीव्र होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों यह है अनुलोम विलोम, और जैसा कि आप जानते हो रीढ़ जो सीधी रखनी है, आँख एकदम बंद रखनी है और एक
नासिका से जितनी देर में श्वास खींचोगे उतने ही देर वो रोकना है, और दूसरी नासिका से उतने ही देर में वो छोड़ना है। यही इसका नियम है। बिल्कुल प्यार से करनी होती है, धीरे धीरे करनी होती है, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारा हार्ट मजबूत होता है। बहुत बढ़िया सर। जिसमें 100-100 रिपीटेशन के हम 3 सेट लेते हैं। आँख बंद करिए, शांत बैठिए, ध्यान अंदर की तरफ। सबसे शानदार प्राणायाम, और जो भी प्राणायाम आप करते हैं 5 मिनट की समय अवधि उस प्राणायाम के लिए अवश्य दीजिए, तभी पूरा लाभ मिलेगा। जय सियाराम मित्रों, आज का हमारा वर्कआउट समाप्त हो चुका है, और आज है 23 जुलाई 2024। देखिए 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। सबसे पहले उस शहीद आत्मा को हमारा नमन। और देखिए, जब अंग्रेज़ों ने उन्हें अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था, तब उन्होंने एक बात बोली थी कि आप हमारे शरीर को गिरफ्तार कर सकते हो, आत्मा को नहीं। हम आत्मा की तरफ से आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। देखिए, इसमें बहुत बड़ा संदेश है। आपको भी अपनी आत्मा की तरफ से आज़ाद होना चाहिए। शरीर का क्या है, आज है कल नहीं रहेगा। और देखिए, किसी मुद्दे पर आप एकदम सही हैं और आप बोल भी सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, और आपको ये अंदर से ज्ञात है कि आप बिल्कुल अपनी जगह पर 100% सत्य हैं, फिर भी आप नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला आहत ना हो जाए, हमारे रिश्ते प्रभावित ना हो जाएं, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति बड़े दिल वाला है, मजबूत मस्तिष्क वाला है, और एक पवित्र आत्मा वाला है, जो समाज, परिवार और दोस्तों को साथ लेकर चलना चाहता है। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।